आज हम उस दौर में हैं जब टीवी सीरियल्स, क्रिकेट मैच, न्यूज, फिल्म्स, गाने सब कुछ अपने स्मार्टफोन्स में देखा करते हैं। लेकिन रेडियो का जमाना याद है आपको, और टीवी का? साल 1959 में भारत में टेलीविजन क्रांति हुई। इसके बाद तो लोगों को टीवी का जबरदस्त स्वाद लगा, लेकिन टीवी खरीद पाना 90 के दशक तक भी सबके लिए संभव नहीं था। 1991 के उदारीकरण ने जब बाजार के दरवाजे खोल दिए, तब जरूर टीवी की आमद धीरे धीरे हर घर तक होने लगी। लेकिन आपको बचपन के वो दिन भी जरूर याद होंगे जब शक्तिमान देखने पड़ोस वाले अंकल के घर जाया करते थे। कितने मजे आते थे ना, सुहावना दौर था वो भी। अच्छा, टीवी की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो शक्तिमान के अलावा और भी तो कई सारे प्रोग्राम्स प्रसारित होते थे, और वो भी अलग अलग जोनर के, जैसे धारावाहिक, धार्मिक कार्यक्रम, कॉमेडी प्रोग्राम्स, समाचार, म्यूजिकल प्रोग्राम्स, सब कुछ। और अगर धारावाहिकों की बात करें तो इनमें शांति, आप बीती, रामायण, टीपू सुल्तान, तेनालीराम और चंद्रकांता जैसे कार्यक्रम बड़े फेमस थे। लेकिन आज हम दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले उसी दौर के एक ऐसे धारावाहिक के बारे में आपको बताएंगे जो आजाद भारत का पहला धारावाहिक बना और जिसके प्रसारण का जबरदस्त विरोध हुआ। कौन सा था ये कार्यक्रम और क्या थी इसके विरोध की कहानी, बताते हैं आपको कि आखिर हुआ यूं था। ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित गल्प या उपन्यासों के साथ अमूमन ये सवाल जोड़ा रहता है कि उन्हें कितना सच माना जाए और कितना मिथक, खास तौर पर जब कोई रचना हाल ही की किसी त्रासदी से जुड़ी हुई हो और मामला धार्मिक गुटों से संबंधित हो। ऐसे में इस पर सवाल खड़े होने और विवादों की गुंजाइश और अधिक बढ़ जाती है। ऐसा ही विवाद हुआ जब दूरदर्शन पर तमस का प्रसारण शुरू हुआ। वैसे ये भी दिलचस्प है कि साल 1974 में जब भीष्म साहनी का उपन्यास तमस आया था तो उस पर कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि ये उनके जीवन के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक था। भीष्म साहनी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता बलराज साहनी के भाई थे। कुल 5 दिनों की कहानी को लेकर बुने गए उनके इस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारत पाकिस्तान विभाजन थी। इसमें दंगों के पीछे हिंदू मुस्लिम कट्टरपंथियों की भूमिका का बेहद वास्तविक चित्रण किया गया था। जल्द ही ये उपन्यास न सिर्फ हिंदी की सबसे अच्छी कृतियों में शामिल हो गया बल्कि खासा लोकप्रिय भी हुआ। फिर साल 1987-88 में गोविंद निहलानी ने इसी उपन्यास और साहनी की दो और कहानियों पर आधारित तमस नाम से एक मिनी टीवी सीरीज बनाई। इसकी शुरुआत के बारे में गोविंद निहलानी ने एक इंटरव्यू में बताया था, फिल्म गांधी की शूटिंग दिल्ली में हो रही थी। एक शाम जब श्रीराम सेंटर गया तो कोने में एक किताबों की दुकान में तमस रखी थी। यह किताब विभाजन के समय पर आधारित है। उस दौरान मैं ऐसी ही कोई कहानी ढूंढ रहा था। मैंने ये किताब खरीद ली, एक पैरा पड़ा तो मैं पढ़ता ही चला गया। लगा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। फिर मैंने इस किताब के लेखक को ढूंढना शुरू कर दिया। पता लगा कि भीष्म साहनी साहब दिल्ली में ही रहते हैं और बलराज साहनी के छोटे भाई हैं। उनका पता ढूंढकर मैं उनसे मिलने चला गया। उन्होंने मेरी पहली फिल्म देखी थी आक्रोश। मैंने कहा कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो तमस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, और उन्होंने हामी भर दी। गोविंद निहलानी को लेखक की अनुमति तो मिल गई थी, लेकिन उनके पास फिल्म बनाने लायक बजट नहीं था। उन्होंने अपने प्रोड्यूसर ललित बिजलानी से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर एक फिल्म के बजाय एक टीवी सीरीज बना सकते हो। इस तरह एक मिनी टीवी सीरीज तैयार हुई जिसका पहला भाग 3 जनवरी 1988 को दूरदर्शन पर रिलीज किया गया। तमस के इस प्रसारण के साथ ही राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया। ये वही दौर था जब राजनीति में कट्टरवादी ताकतें मजबूत हो रही थी। तमस के प्रसारण पर भाजपा का कहना था कि दूरदर्शन को इसे तुरंत बंद करना चाहिए क्योंकि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आर्य समाज को धार्मिक उन्मादी बताकर इतिहास को विकृत करने की कोशिश की गई है। वहीं कुछ मुस्लिम समूहों का आरोप था कि तमस में उनके समुदाय की बर्बर छवि दिखाई गई है। वामपंथियों और उदारवादियों के साथ विद्यार्थियों का एक बड़ा तबका ऐसा भी था जो पूरी तरह तमस के प्रसारण के पक्ष में था। राजनीतिक गलियारों में ये विवाद बढ़ता ही जा रहा था, तो ये न्यायालय तक भी पहुंच गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में तमस का प्रसारण बंद करवाने के लिए एक याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि तमस का प्रसारण आम लोगों के मानस में पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है और इससे दंगे जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। राजनीतिक विवाद और धार्मिक गुटों की संवेदनशीलता को देखते हुए ये प्रकरण मीडिया में भी खूब चर्चित हुआ। लेकिन जब इस मामले पर अदालत का फैसला आया तो ये ऐतिहासिक फैसला साबित हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस लैंटिन और सुजाता मनोहर की पीठ ने तमस के प्रसारण पर रोक संबंधी याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया कि ये एक त्रासदी का विश्लेषण है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे कट्टरपंथी लोग दंगों को भड़काते हैं। फैसले में दोनों जजों ने आगे एक और बात जोड़ी, वो ये कि इसका प्रसारण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबब होगा।
इस विवाद से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि दूरदर्शन ने बाद में तमाम तरह के दबावों और विरोधों के बावजूद तमस के पूरे 8 भागों का प्रसारण किया। ओम पुरी और दीपा साही के जीवंत अभिनय और गोविंद निहलानी के सधे हुए निर्देशन वाला ये धारावाहिक उस समय काफी लोकप्रिय हुआ। इसे दूरदर्शन के सबसे यादगार धारावाहिकों में गिना जाता है। साल 2013 में हिस्ट्री चैनल ने तमस का पुनः प्रसारण भी किया। तमस उपन्यास के लिखे जाने के बारे में भीष्म साहनी ने एक इंटरव्यू में बताया था, विभाजन के दंगों को मैं कभी नहीं भूल सका। एक बार मैं अपने भाई बलराज साहनी के साथ भिवंडी के दंगाग्रस्त शहर का दौरा कर रहा था। वहां उजड़े मकान और तबाही का मंजर देखकर मुझे रावलपिंडी का 1947 का दृश्य आंखों में आ रहा था। वहां से वापस दिल्ली आकर मेरे मन में इस विषय पर लिखने की प्रेरणा जगी। तमस के कई संस्करण प्रकाशित हुए और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इस पर टीवी सीरीज बनने के बाद जब विवाद हुआ, उस पर भीष्म साहनी का कहना था, इसका विरोध किया जाना सही नहीं, ये मानवीय त्रासदी की कथा है, इसका कथानक निर्दोष है। हमेशा खुदगर्ज लोग ही दंगों की साजिश रचते हैं। आम आदमी कभी दंगों की चाह नहीं रखता, लेकिन दंगा छिड़ जाने पर इसे थामना कठिन हो जाता है। हुआ यूं था का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया और उत्तराखंड से जुड़े ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक किस्सों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें बारहमासा।